हम पोजीशन तुरंत हम दे रहे हैं ना यहाँ पे, रजिस्ट्री से पहले पोजीशन, अब ये सब बुकिंग हुई है और सबसे कम साइज का जो प्लॉट है मेरे पास, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सस्ता बेच रहा हूँ सर, कि जो जिस लोकेशन में साइड है हमारी, उस लोकेशन में इस रेट में सर प्लॉट नहीं है, इस रेट में आउटर रिंग रोड से मात्र मेरी साइड 1.5, साइड अपनी जो है पूरी हो चुकी है 20 बीघा। हाँ सर, काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए सामने जो है, जैसे सर पहले क्या था सही पद पे, कुछ नहीं था, कुछ क्या रेट था वहाँ पे बताइए, 250-300 रुपए स्क्वायर फीट लोग परचेस नहीं करना चाह रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, मेरा नाम आयुष्मान, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हैं आसिफ भाई के साथ में। तो कैसे हैं आसिफ भाई? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो वीडियो से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। अच्छा, हाँ काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे वीडियो से, और मैं वहाँ चल के रिस्पांस भी दिखाऊंगा किस टाइप का मिला हुआ है मुझे। अच्छा अच्छा, पहले पूरी वीडियो में सारी चीजें बता देता हूँ, डिटेल्स दे देता हूँ, उसके बाद में आपको ऑफर भी बताऊँ। अभी हम लोग खड़े हुए हैं शहीदपथ पे, आवाज सिलग्राम चौराहे के पास सर जी। मेरे बैक साइड में देखिए शहीदपथ चल रहा है, उसी से थोड़ा सा पीछे और आगे बढ़ेंगे नीलमथा रोड पे, इसको नीलमथा नगराम रोड बोलते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो नीलमथा नगराम रोड पे अवध सिलग्राम चौराहे के पास खड़ा हूं मैं, पीछे थोड़ा बढ़ेंगे 1 किलोमीटर पीछे कैंट है और इधर शहीदपथ जा रहा है, सामने अवध सिलग्राम है और इधर ये भागीरथी इनक्लेव है। और एक चीज मैं और बता दूं, नगराम रोड लोग पूछते हैं कहाँ पे है, काफी लोग पूछते क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता जो बाहर से होते हैं, तो मैं ये बता दूं, नगराम रोड सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड के बीच में एक हाईवे पड़ता है जिसको नगराम रोड बोलते हैं, यहीं से 500 मीटर आगे बढ़ेंगे उतरेहटिया रेलवे स्टेशन है। अच्छा। हाँ, यहीं मात्र 500 मीटर आगे बढ़ के उतरेहटिया रेलवे स्टेशन है, राइट लेंगे तो लेफ्ट लेंगे मेदांता, लूलू, फिनिक्स प्लासी, काना स्टेडियम, पुलिस हेडक्वार्टर, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। मेदांता तो सामने ही देखिए 200 मीटर 300 मीटर पे, और यहाँ से लेफ्ट लेके आगे बढ़ेंगे तो सुल्तानपुर रोड 2.5 किलोमीटर, राइट ले लेंगे तो आपका रायबरेली रोड 2.5 किलोमीटर, मतलब हम बीच में सेंटर में खड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसी रोड पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पीछे जाएंगे तो कैंट पड़ जाएगा आपका 1 किलोमीटर। हाँ, कितनी दूरी पे है यहाँ? 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है सर साइड हमारी। एग्जैक्ट 5.5 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। अभी से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं सेविंग ब्रिज के पास। अच्छा, साइड पर से आगे कंटिन्यू नगराम रोड पे पहुँच चुके हैं हम सेविंग ब्रिज के पास, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो पहुँचेंगे नरपतगंज, फिर आपका आउटर रिंग रोड, अपना साइड पड़ेगी नगराम रोड। ठीक है, जो परेटा में साइड है। कितनी दूरी पे है यहाँ से? ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलोमीटर अभी हम लोग लगभग आए हैं, यहाँ से 3.5 किलोमीटर साइड अपनी। अच्छा, पहुँच जाएंगे परेटा। अभी से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सवाई चौराहे पर, राइट लेंगे मेरे राइट हैंड से जो रोड जा रहा है उधर जाएंगे तो आप पीजीआई रायबरेली रोड चले जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो सुल्तानपुर रोड चले जाएंगे। अच्छा, ये सामने दिखाई सवाई पुलिस चौकी है। अच्छा, हाँ सवाई मार्केट है, जो की अब यहीं से कंटिन्यू आगे करेंगे तो आगे नरपतगंज पड़ेगा, उसके बाद नरपतगंज के बाद आपका आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के बाद परेटा। सर फाइनली हम अपनी साइड पर पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले मैं साइड पर पहुंच के लोकेशन की बात करूंगा, किस लोकेशन में हम खड़े हैं। जो भी हम खड़े हुए हैं सर, परेटा ग्राम सभा पड़ता है आपका, जो है तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ पड़ता है सर। नगराम रोड पर साइड है, मेन रोड से 200 मीटर पे। जी, ये वाले रोड की बात की जाए, ये वाली रोड सर हमारी एंट्रेंस 40 फीट की रोड है, जिसपे हमारे पीछे वाली रोड है जी, इसको दिखाइए, ये भी 40 फीट का रोड है। हमारी दो रोडें 40-40 फीट की हैं, बाकी मैंने 30-25 फीट की रोड दिया है सर। ठीक है। जी, मेन रोड से मात्र 200 मीटर पे है, सामने मेन रोड ही है ना, ये सामने मेन रोड है, 200 मीटर उससे है। वो गेटेड सोसाइटी रहेगी? हाँ हाँ, पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी सर अपनी साइड। सर साइड अपनी जो है पूरी हो चुकी है 20 बीघा, 20 बीघा हो चुका है सर टोटल, बढ़ा भी रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, देखते हैं जितनी बार आते हैं। देखिए बाउंड्री यहाँ पे पिछली वीडियो में नहीं थी, इस वीडियो में देखिए बाउंड्री हो गई है, 20-30 हजार स्क्वायर फीट बिक चुका है, एक हर महीने 20,000-25,000-30,000 स्क्वायर फीट बिकता है, बढ़ता रहता है हर महीना जो है। जी, और काम भी चल रहा है? हाँ काम चल रहा है सर। ठीक है। अभी देखिए सामने बाउंड्री, सर रेट हम जो लेकर आए हैं 851 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से लेकर आए हैं प्लॉट। जी, प्लॉट की साइज की अगर बात करेंगे सर, 40 फीट रोड पे मिनिमम साइज आपको मिलेगा 1,250 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम आप 40 फीट रोड पे कितना भी जा सकते हैं, और सबसे कम साइज का जो प्लॉट है मेरे पास वो है 800 स्क्वायर फीट, 20x40 का, 20x40 का 800 स्क्वायर फीट का है, 900 का है 20x45 का, और आपका उसके बाद देखिए हमारे पास गहरान 40, 45, 50, 40 है 25 फीट रोड पे, 45 है 30 फीट रोड पे, 50 है वो है 40 फीट रोड पे। जी, तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है सर। और नगर निगम में आती है ना साइड अपनी? नगर निगम में है सर पूरी तरीके से। जी, और यहाँ पे आपके वहाँ काम भी चल रहा है? हाँ सर, काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए सामने जो है यहाँ पे बाउंड्री, हाँ बाउंड्री हो रही है, हम पोजीशन तुरंत हम दे रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा। रजिस्ट्री से पहले पोजीशन, अब ये सब बुकिंग हुई है, कुछ रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं। अच्छा। इधर हमने कब्जा भी दे दिया, मतलब तुरंत कब्जा, देखिए सामने हो ही रहा है, दिखा दीजिए इधर जूम करके,
तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अपना आओ, बुकिंग डालो, कब्जा ले लो, उसके बाद रजिस्ट्री कराओ सर। अच्छा। जी। और कहाँ से होगी रजिस्ट्री? रजिस्ट्री इसकी मोहन लालगंज तहसील लगती है सर, मोहन लालगंज से होती है। अच्छा। जी। और जिला लखनऊ लगता है? डिस्ट्रिक्ट लखनऊ सर, लखनऊ क्या सिटी से पास में मेरी साइड है, सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जी, ये दिखाइए इधर एक बार, ये सब बाउंड्री हो रही है, इसे उधर मैंने दिखाया था एक प्लॉट अनिल कुमार, किसने लिया है? हाँ, उधर दिखाया था मैंने, अनिल कुमार पांडे हैं, प्रमोद सिंह फौजी, ज्यादातर यहाँ तीन डिपार्टमेंट के लोगों ने लिया है, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर मैं बताऊंगा रीजन तीनों का लेने का, यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर और 100 डायल यहीं से मात्र 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मैदानता हॉस्पिटल, पीजीआई हॉस्पिटल 5 किलोमीटर की रेंज में है, कैंट यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है, मात्र 6 किलोमीटर कैंट पड़ता है, तो आर्मी पर्सन सर उसी रूट पर पड़ता है ये, तो इस वजह से ज्यादा परचेज किए, बाकी और भी लोग लिए हैं लेकिन ये तीन विभाग के लोग ज्यादा लिए हुए हैं यहाँ पे। जी, ठीक है। बाकी उधर जैसे हमने दिखाया था, अभी आइए मैं दिखाता हूँ प्रमोद सिंह फौजी, उसमें नाम वाम भी लिखाता हूँ, जैसे इधर अविनाश शर्मा है, ये भी एक पुलिस में है, इसके बगल वाला जो है ये आर्मी में है, इनके बगल वाला भी ये उसमें है, इसकी लंबी लंबाई चौड़ाई जैसे 40x50 का है, 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इसके बगल वाला ये है रुद्र प्रताप सिंह नाम, हाँ उन्होंने लिया है, आर्मी में है भी। जी, और ये अनिल कुमार पांडे जी हैं, ये पुलिस में है, सॉरी ये भी आर्मी में है, इलाहाबाद के रहने वाले, देखिए नाम भी लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है सामने। इधर दिखाइए प्रमोद सिंह फौजी, अपना नाम लिखा दिए, ये भी ये रायबरेली के रहने वाले हैं। जी, और इधर बगल में जो है ये इन्होंने लिया है केसो का पूरा नाम नहीं बता पाऊंगा, इन्होंने प्लॉट लिया है जो है, ये भी आर्मी से हैं। अच्छा। हाँ, इसके बगल ये 4,500 स्क्वायर फीट डॉक्टर साहब, उन्होंने परचेज किया है, 4,500 एरिया पूरा ये, उसके बगल जो है 1,250 स्क्वायर फीट है, उधर बिका हुआ है, बाकी उधर 2,000 स्क्वायर फीट का है। और तो यहाँ पे आप क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं? यहाँ पे सुविधाएं सर हम आपको रोड, लाइट, नाली, पूरी गेटेड सोसाइटी सब कुछ देने वाले हैं, मैं जो कि जो उधर बेच चुका हूँ मैं, और बना के भी देंगे। हाँ, पार्क दिया मैं सर, दो पार्क हम दे रहे हैं, वो हम बताते हैं आपको। हाँ। दो पार्क दे रहा हूँ मैं। और कितने बीघे के रहेंगे सर? बीघे के नहीं रहेंगे, 8,000-12,000 स्क्वायर फीट का दो पार्क दे रहा हूँ मैं। हाँ, दो पार्क दे रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सर, उधर मैंने जो गिट्टी वगैरह भी डलवा रखा, खंबे वम्बे लग चुके हैं, इस रोड पे भी मान के चलिए जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होगा सर, इस पे भी। हाँ, जल्दी से जल्दी 40 फीट वाली रोड पे भी काम स्टार्ट होगा सर, बिल्कुल। जी सर, इधर खंबे लग चुके हैं, इधर लगवाने, खंबे गिरे रखे हुए हैं, बस लगवाने हमको। जी जी जी। और ट्रांसफार्मर कब तक लग जाएगा? मान के चलिए ये सब चीजें हमको करने में 6 महीने लग जाएंगे सर, 6-7 महीने लगेगा अभी मान के चलिए सारी चीजें कंप्लीट करने में। जी, ये 25-25 फीट की रोड है, इधर भी हमने कब्जा दे दिया, और भी बिके हुए हैं अभी कुछ कब्जे देने हैं, तो कब्जा तुरंत दे रहे हैं, जिसको अपना तुरंत बाउंड्री कराना है बाउंड्री करा लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, एक पैसा अपना 1 रुपये मत दीजिए, हाँ बाउंड्री कराइए, उसके बाद कुछ आगे का प्रोसेस करिए, कोई समस्या नहीं है सर। ये वाले सर किसने लिया है आपके पीछे? ये है जीके वर्मा, ये भी आर्मी में है। अच्छा। 2,000 स्क्वायर फीट का कॉर्नर का प्लॉट इन्होंने परचेज किया है। कॉर्नर के भी आपके पास मिल जाएंगे? कॉर्नर के प्लॉट अभी थे कुछ प्लॉट हमारे पास, अभी भी 1-2 प्लॉट, 2-3 प्लॉट बचे हुए हैं। हाँ, तो लेकिन अब देखिए जब आए लोग तब के लिए रहे कि ना रहे, फिलहाल अभी के लिए है हमारे पास सर। सर क्या कॉमर्शियल भी मिल जाएगा क्या आपके पास? सेमी कॉमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा सर, 40 फीट रोड पे। सेमी कॉमर्शियल क्या होता है? सेमी कॉमर्शियल प्लॉट होता ये है कि उस पर आप बिजनेस भी कर सकते हैं और घर भी बना के रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 जी सर। फुल कॉमर्शियल वो होता है जो होता है सर मैन हाईवे पे, उसको बोलते हैं फुल कॉमर्शियल। हाँ, उससे कनेक्टेड रोड जो रहती हैं, मैन हाईवे से कनेक्टेड रोड जो रहती हैं, वो होते हैं सेमी कॉमर्शियल प्लॉट। जी, ये वाली सर रोड कितनी फिट की है? ये रोड है सर 25 फिट का। 25 फिट जी, ठीक है। और मेन रोड कितने की रहेगी? ये रहेगी 40 फिट का सर, 40 फिट का रोड। हाँ, 40 फिट का रोड है ये, 25-25 फिट की रोड है। जी, हाँ इधर खंबे लग चुके हैं, गिट्टी पड़ चुकी है, इधर देखिए हमने कब्जे भी दे दिए, काफी कब्जे दे दिए हैं, जितने भी प्लॉट यहाँ पे सेल हुए हम तुरंत कब्जे देते जा रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा। जी देख सकते हैं यहाँ पे, दिखा दीजिए एक बार चारों तरफ कब्जे। हाँ, चारों तरफ कब्जा है, रजिस्ट्री तुरंत है, तुरंत जो है अपना कब्जा लीजिए, तुरंत रजिस्ट्री कराइए सर। इस साइड तो मिल नहीं पाएंगे प्लॉट? कहाँ पे सर? अरे इस साइड नहीं, इधर नहीं मिल पाएगा सर प्लॉट, इधर सारे सेल आउट हो चुके हैं जो है उधर ही। हाँ सर, लेकिन एंट्रेंस रोड अपना वही है ना, जो भी हमने दिखाया आपको 40 फीट रोड, एंट्रेंस आपका वहीं से रहेगा आने जाने का, उसी साइड में लगेगा मेन गेट। जी, 40 फीट वाली रोड पे। जी, ये यहाँ पे गिट्टियाँ पड़ी हुई। हाँ, इधर गिट्टी भी पड़ चुकी है, खंभे भी लग चुके हैं, 6-7 महीने में सब कुछ हो जाएगा, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी सर, सारी चीजें इधर। और सब लोग बोलते हैं कि
एक साल में पैसा डबल, दो साल में पैसा डबल, इसके बाद सर ये सब मैं नहीं कहूंगा, ऐसी कोई स्कीम लेकर नहीं आया हूं मैं कि पैसा डबल ट्रिपल करूंगा। फिलहाल ये है, मैं ये कहूंगा कि साल दो साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, दो गुना तीन गुना रिटर्न मिलेगा, ये जान लीजिए रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा सर। और सर आपने डिस्टेंस की नहीं बात की, स्कूल कॉलेज? सर मैंने डिस्टेंस की बात अगर मैं करूंगा यहाँ से स्कूल कॉलेज, और मैं सबसे पहले बात करूंगा चारबाग रेलवे स्टेशन की, हाँ। वो सबसे मैन इम्पोर्टेंट है, हाँ। चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से पड़ेगा सर 13 किलोमीटर, हाँ। और आलमबाग भी लगभग इतना ही पड़ेगा, हजरतगंज से ज्यादा पड़ जाएगा, हजरतगंज 14 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, कैंट जो पड़ेगा यहाँ से आर्मी कैंट पड़ेगा 6 किलोमीटर, हाँ। शहीदपथ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मैंने बताया और दिखाया भी है, हाँ। तो शहीदपथ से यहाँ से पड़ेगा करीब 5.5 किलोमीटर, ठीक है। आउटर रिंग रोड यहाँ से पड़ेगा 1.7 किलोमीटर, ठीक है। नगराम रोड यहाँ से पड़ेगा 200 मीटर, जो मेन रोड से मेरी साइड से है, 200 मीटर। जेल रोड पड़ेगा 3.5 किलोमीटर, और ये आपका जो पड़ेगा लुलू मॉल, हाँ लुलू मॉल मेदांता हॉस्पिटल, ये पड़ेगा आपको 6 किलोमीटर, और जो है पीजीआई हॉस्पिटल करीब 5.5 किलोमीटर पड़ जाएगा। रायबरी रोड भी लगभग आपको यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ जाएगा, 4 किलोमीटर जी, 4 किलोमीटर रायबरी रोड पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है जी। आपने एक बार सर इसका वो रेट बता दिया साइट का? सर रेट जो है इसका मैंने शुरुआत में बताया और एंड में भी बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं, तो इसका रेट जो आएगा सर 851 रुपये पर स्क्वायर फीट। अच्छा हाँ ठीक है। आपने कहा था कि हम वो मार्केट से सस्ता भी बेच रहे हैं। मैं चैलेंजिंग के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सस्ता बेच रहा हूँ सर, मार्केट से सस्ता ही बेच रहा हूँ मैं। अच्छा। जो जिस लोकेशन में साइड है हमारी, उस लोकेशन में इस रेट में सर प्लॉट नहीं है, इस रेट में लखनऊ के अंदर जितने नियरेस्ट लोकेशन में सर, हाँ। जी एकदम सारी चीजें आपको आसपास में देखने को मिल जाएंगी। तो स्कूल कॉलेज की बात कीजिए। स्कूल कॉलेज की बात करेंगे सर, तो 200 मीटर पे कस्तूरबा गांधी कॉलेज है, वो सामने दिख रहा है, हाँ। और आरआर इंटरनेशनल मैंने रास्ते में दिखाया था 1.5 किलोमीटर पे। सोलर एकेडमी आपको पड़ेगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अच्छे और इससे अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, सीएमएस जीडी गोयनका, लखनऊ पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अगर ऐसे स्कूलों में जाना चाहते हैं, हाँ। तो आपको यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा सर, 4 से 5 किलोमीटर। बाकी जहाँ पे लोग रहने लगते हैं सर, वहाँ पे स्कूल हॉस्पिटल अपने आप से आ जाते हैं सर। अच्छा, जहाँ पब्लिक आने लगेगी वहाँ पे तो स्कूल वगैरह सारी चीजें बनने ही लगेंगे जी। और दाखिल खारिज साइट है ना? हाँ, दाखिल खारिज भी है, धारा 80 भी मैंने प्रॉपर्टी पे है, कुछ जमीनें दाखिल खारिज है, कुछ जमीनें लैंड ऑफ व्यू मैंने प्रॉपर्टी का चेंज करा रखा है सर। अच्छा जी। और नगर निगम में है? हाँ, नगर निगम में साइट है सर अपनी, ठीक है जी। सर मार्केट में तो बहुत लोग बेच रहे हैं जी, आप ही के वहाँ क्यों लें? सर मेरे यहाँ ये ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे यहाँ क्यों ले लोग प्लॉट परचेज करें? एक तो सर मैंने रेट बताया 851 रुपए स्क्वायर फीट, 40 फीट 30 फीट 25 फीट का रोड दिया मैंने, चैलेंजिंग रेट बेच रहा हूँ मैं, चैलेंजिंग रेट। और दूसरी बात, मेरी साइड सर जो पड़ती है सिटी से मात्र 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे अवध बिहार योजना है। अच्छा हाँ, जो कि अवध बिहार योजना है, गवर्नमेंट का प्लान है, वो आवास विकास का प्लान है। और मेरे यहाँ से शहीद पर मात्र पड़ता 5.5 किलोमीटर, मैंने कई बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 3 हाईवे के बीच में मेरी साइड है सर। कौन कौन से? नगराम रोड 200 मीटर पे, 1.5 किलोमीटर आपका आउटर रिंग रोड, 3.5 किलोमीटर जेल रोड, ये 3 हाईवे होगी। मैं बताऊंगा सिविल कोर्ट कचहरी जो है अपोजिट में है, जस्ट साइड के अपोजिट साइड में 200 मीटर पे, पीछे हमने कलेक्ट्रेट दिखाया था जो कि बन रहा है। और ये एक बात ये करूंगा मैं, छोटा सा एग्जांपल सर देना चाहूंगा शहीदपथ का। शहीदपथ पे सर आज के 5-10 साल पहले क्या था बताइए? कुछ नहीं, मॉल हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं काना जैसे, स्टेडियम, पुलिस हेडक्वार्टर, और आपका ये 100 डायल, लुलू मॉल, जो भी चीजें मैं गिना रहा हूँ, लुलू मॉल, फिनिक्स प्लासियो, मेदांता हॉस्पिटल, ये सब चीजें कुछ नहीं थी। तो वैसे सेम सर आने वाले समय में डेवलप होने वाला है आउटर रिंग रोड पे, और आउटर रिंग रोड से मात्र मेरी साइड 1.5 किलोमीटर पे है जी। तो ये सर फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, फ्यूचर में रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला मैं कहूंगा, क्योंकि सर जिस दिन डेवलप हो जाएगा उस दिन, जैसे सर पहले क्या था शहीदपथ पे, कुछ नहीं था, कुछ क्या रेट था वहाँ पे बताइए, 250-300 रुपए स्क्वायर फीट लोग परचेस नहीं करना चाह रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, और आज के डेट में 5,000 में परचेस नहीं कर पा रहे लोग, मिल नहीं रही जमीने, मिल ही नहीं रही है सर, 5,000-6,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल नहीं रही है सही, मिल नहीं रही है। तो यही चीजें हैं सर, सारी चीजें आपको यहाँ से पास में मिलती हैं, स्कूल हॉस्पिटल हर चीज, सारी चीजें आपको यहाँ से पास मिल जाती है, सिटी पास मिल जाता है, कैंट पास में सर सारी चीजें। और रिटर्न सबसे बेस्ट ये है कि सर साइड हमारी सही किसान पथ के पास में है, तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा फ्यूचर में, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है यहाँ पे। और अंसल की बिल्डिंग है आपने नहीं दिखाई? सर अंसल की बिल्डिंग आज दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं तो यही से सर मेरे अंसल की जितनी भी बिल्डिंग है सर, जितनी भी सारी पास में यही से दिखाई देती है, आवास विकास अवध बिहार योजना की बिल्डिंग है और अंसल की। लेकिन ये सुबह का समय है, फॉग की वजह सर अभी क्लियर हम लोग के आंखों में नहीं आ रहा सर, कैमरे में भी नहीं कवर होगा अभी, हाँ अभी कैमरे में कवर नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा दिखाने की जी, बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और सर वो रजिस्ट्री कब्जा है तुरंत?
तुरंत रजिस्ट्री तुरंत कब्जा है सर। ठीक है जी। और बुकिंग कितना देना पड़ेगा? बुकिंग अमाउंट रहेगा 51,000 रुपए। ठीक है जी। और सर फाइनेंस के बारे में आपने कुछ? फाइनेंस हो जाएगा सर, फाइनेंस हो जाएगा 60-70% आपका लोन हो जाएगा, 30% आपको देना पड़ेगा, 30-40%। अच्छा जी, बाकी लोन हो जाएगा। तो सर वीडियो के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, साइट बहुत बेस्ट है, जब तक लोग विजिट नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जो विजिट कर लेगा वो सर परचेस कर लेगा प्लॉट, परचेस कर लेगा सर तुरंत। रेट की वजह से और लोकेशन की वजह से लोग प्लॉट परचेस कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैंने आपको समझाया, सारी चीजें बताया भी अभी, तो उस हिसाब अकॉर्डिंग बेस्ट साइट रहेगी। एक बार विजिट करिए, विजिट करने जब तक विजिट नहीं करेंगे लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार विजिट करिए, मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार विजिट करिए, और लेना ना लेना एक अलग चीज होता है सर। हाँ। जी, तो जब यहाँ पे फ्यूचर देखेंगे लोग तो खुद ही परचेस करेंगे। हाँ। यहाँ पे फ्यूचर क्या है, रिटर्न क्या मिलने वाला है, तो मैं बस इसी को वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। हाँ। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हाँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि हमारा हौसला बना रहे, आगे और वीडियो बनाते रहे हम। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।